हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक डायल का जो इफेक्ट था दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो स्टडी किया था, और डिस्कस किया था कि एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होती है और इक्विटोरियल लाइन कौन सी होती है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कि एक्सियल लाइन पे और इक्विटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी भी डायपोल की वजह से। तो यही हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए देख लेते हैं, ये सारा स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी जो चार्ज स्ट्रेंथ तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, और डायपोल की लेंथ कितनी है 12। अब हमसे बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होगी जो दोनों चार्जेस से पास करेगी, चाहे वो इधर को ले लो चाहे वो इधर को ले लो। मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये लाइन मेरी क्या है एक्सियल लाइन, सिमिलर वे में इधर भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड एग्जिस्ट करेगी। तो इस लाइन पे मुझसे बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डायपोल। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बुक में तुम्हें डायरेक्ट वे में मिलेगा कि डायरेक्टली उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया होगा, फिर उन्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया होगा, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड होता है किसी टेस्ट चार्ज की वजह से। तो मैं एक सिंप्लीफाइड करके आपको बताता हूँ कि पॉइंट पी पे क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट। अब ये वाला जो टेस्ट चार्ज होगा ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डायपोल के एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा होगा इधर को, दैट इज एफ माइनस क्यू, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा होगा इधर को, ये एफ प्लस क्यू। अब अगर हम लोग पॉइंट पी पे नेट फोर्स निकाल दें तो आसानी से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हम लोग करने वाले हैं। अब पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहां सेंटर से लेंगे डायपोल के, दैट इज एक्स, ये जो डिस्टेंस है मेरी पॉइंट पी तक एक्स है ये। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जब मैं पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहले मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स निकाल देता हूं, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके, एफ माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस। अब हम लोग जो फोर्स निकाल रहे हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं ना, और जो एक्स डिस्टेंस थी मेरी कहां तक थी सेंटर तक, तो यहां तक जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एक्स माइनस एल, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है एल, सिमिलर वे में ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है एल, तभी तो डायपोल की लेंथ 12 है। तो ये हमने फोर्स निकाल दिया, नेक्स्ट हम लोग इस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, एज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज ई इज इक्वल टू कितना होता है माइनस क्यू की वजह से, दैट इज एफ माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε Q अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे 4 प्लस क्यू चार्ज, सिमिलरली 4 प्लस क्यू चार्ज, इस बार में इलेक्ट्रिक फोर्स ना निकाल के डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूं, तो कितना हो जाएगा ये मेरा, दैट इज ई प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε q अपॉन डिस्टेंस, देख लो मीन, देखो ये जो डिस्टेंस थी इस बार हमने यहां तक ली थी, इस बार डिस्टेंस कहां तक लेंगे यहां तक, तो x डिस्टेंस सेंटर की है तो इसमें l डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, दैट इज x प्लस l का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स आ गई मेरी ड्यू टू माइनस q चार्ज एंड प्लस q चार्ज, हमने क्या किया फोर्स निकाला उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं बोलूं पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पे, जो फील्ड ज्यादा होगा माइनस जो फील्ड कम होगा, ज्यादा किसका फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज का, क्यों, क्योंकि ये पास है पॉइंट पी के, और कम फील्ड किसका होगा प्लस क्यू का, क्योंकि ये दूर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन फील्ड एट पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन कितना हो जाएगा मेरा, ई एक्सियल इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है माइनस के जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के 1/4πε q अपॉन x प्लस l के होल स्क्वायर।
यहां कॉमन आ रहा है, ले लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू कॉमन आया, बचा कितना 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होली स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होली स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, यहां एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होली स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, दैट इज प्लस माइनस। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो ये एक्स माइनस एल वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस एल का होली स्क्वायर, सिमिलर में प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और ऊपर कितना बचेगा एक्स माइनस एल का होली स्क्वायर। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, ये एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं उधर, ये कितना आएगा माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के एल स्क्वायर, और ये माइनस का जो है वहां जाके माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हमारा डिनोमिनेटर में एज इट इज चल रहा है, तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू एज इट इज है। अब देखो अंदर कट जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, बचेगा कितना ये हमारा दैट इज 4xl, 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्यू की मल्टीप्लाई में अंदर कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं 2ql एक साइड लिख लेता हूं, 4 को मैं 2 इंटू 2 करके लिख सकता हूं, 2ql इंटू 2x अलग लिख देता हूं, ये अभी तुम लोगों को पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 2ql होता है ना, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा ये p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, जो बोर्ड में एक डेरिवेशन जरूर आता है, चाहे एक्सियल का ले लो चाहे इक्वेटोरियल का ले लो। अब हम लोग एक केस और ले लेते हैं, यहाँ केस 1 यहाँ कर रहा हूँ मैं, दो केस हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे, वैसे तो नेचुरली एक केस आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग सेंटर में निकालते हैं किसी भी डायपोल के वो जीरो होता है। केस 1, व्हेन पॉइंट पी इज एट सेंटर ऑफ डायपोल, अगर हमारा पॉइंट पी सेंटर पे हो जाए तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई सेंटर की बात करूंगा तो एक्स डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वहां पे सेंटर पे, एक्स डिस्टेंस हो जाएगी जीरो, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो, और वैसे भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पे वो जीरो ही होता है, क्योंकि जितना चार्ज नेगेटिव वाला इधर को रिपेल करता है सॉरी अट्रैक्ट करता है उतना ही चार्ज रिपेल भी करता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो। सेकंड केस निकाल देते हैं, ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, व्हेन पॉइंट पी इज टू फार अवे, कि अगर पॉइंट पी बहुत दूर हो जाए तो देखो अगर पॉइंट पी बहुत दूर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और एल की वैल्यू जो है वो बहुत कम रह जाएगी, तो एक्स की वैल्यू फार फार लार्जर देन एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा एक्स लाइन पे उस टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन पी एज इट इज इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एल, लगभग नेगलेबल जीरो मानेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर वो जीरो हो जाएगा, तो ई एक्सएल हो जाएगा मेरा कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहां एक्स से एक पावर कट जाएगी 4 होगा, एक्स पावर कटेगी एक्स की पावर 3 आ जाएगी 2p अपॉन एक्स क्यूब। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट पी काफी फार होता है इन कंपैरिजन टू एल सॉरी फ्रॉम सेंटर ऑफ द चार्ज।
तो ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन।